भाजपा आरएलपी विधायक दल के कैंप का आज तीसरा दिन। आज कैंप में शामिल होने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। कैंप में आज भी कई सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक मुरलीधर राव इसको संबोधित करने वाले हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की जानकारी इस संबोधन के दौरान वो देंगे। गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौर इसी साथ में मतदान का प्रशिक्षण देंगे। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है। बीजेपी ने अब राजेंद्र गहलोत पर पूरा अपना ध्यान लगाया है। वरीयता के आधार पर ज्यादा वोट दिलाने की कवायद जारी है। राजेंद्र गहलोत को अब कुल 54 वोट दिलाए जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के 51 और आरएलपी के 3 विधायक देंगे राजेंद्र गहलोत को वोट। ओमकार सिंह लखावत के खाते में रहेंगे 21 वोट। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरू का अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए आज भाजपा के लिए भी काफी अहम और महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कल तो जजमेंट डे है, तो किस चीज पर अभी विशेष फोकस रहेगा, आज पूरे दिन भर की क्या रणनीति रहेगी भाजपा की? देखिए, राज्यसभा का चुनाव कल होना है, आज अंतिम दिन बचा है और ये कैंप का आज तीसरा दिन है। तमाम बीजेपी के विधायक और आरएलपी के विधायक है उस कैंप में शामिल है। लगातार जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने प्रशिक्षण दिया, खासतौर पर मतदान का, क्योंकि ये बड़ा इश्यू है, क्योंकि एक मत का भी यहाँ पर खासा महत्व होता है राज्यसभा चुनाव में। ऐसे में किसी प्रकार की कोई विधायक से गलती ना हो और वोट खारिज हो जाए, उसका बार बार अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण दिया कि किस प्रकार से मतदान करना है। उन तमाम सत्र के बाद में आज जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय महामंत्री है मुरलीधर राव, उनका एक सत्र हुआ जिसमें उन्होंने विधायकों को संबोधित किया आत्मनिर्भर भारत योजनाओं को लेकर कि इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है और इसमें जो जनप्रतिनिधि खासतौर पर विधायक हैं उनको अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इस योजनाओं को, इस अभियान को आगे बढ़ाना, उसको लेकर सत्र हुआ। और आज जो तमाम जो दूसरे विधायक थे जो अब तक होटल नहीं पहुंचे थे, खासतौर पर जोधपुर के जो सूरसागर से विधायक है सूर्यकांत अग्रवाल, वो भी आज इस कैंप में पहुंची है। नरपत सिंह राजवी भी कैंप में पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात की थोड़ी देर में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे वो भी कैंप में शामिल होगी। 5 बजे फिर से सत्र शुरू होगा, उसमें तमाम विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल होगी। आपको बता दूं कि बीजेपी की लगातार ये रणनीति चल रही थी कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी दूसरा प्रत्याशी इन्होंने ओमकार सिंह लखावत के तौर पर उतारा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस की जो रणनीति थी सीएम अशोक गहलोत का जो चक्रव्यूह था उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती नजर आई और अब उससे ब्रेक होती नजर आ रही है। अब बीजेपी की जो खासतौर पर वो रणनीति है वो यही है कि जो पहला प्रत्याशी है, जिनका पहला उम्मीदवार है राजेंद्र गहलोत, उसको करीब 54 मत दिलाए जाए। हालांकि जरूरत 51 की होती है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा मत राजेंद्र गहलोत के दिलवाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया पिंटू।